पिछले 2 दिनों में मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मैंने शायद सोचे भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अपनी वन ऑफ द फेवरेट गेम में से एक RC24 को लॉन्च होते हुए देखना, उनकी ऑफिस में जाने का मौका मिला, साथ ही साथ उनके जो क्रिएटर हैं अनुज सर और उनके बाकी के जो मेंबर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला। एंड सीरियसली, उनसे मिलने के बाद एक बात तो कन्फर्म है, आप पता लग रहा है कि क्यों ये गेम इतना बेहतर होता जा रहा है और क्यों ये इस वक्त का सबसे बेस्ट गेम है क्रिकेट का। और उसके बाद मुझे मौका मिला GPL देखने का, जो कि RC24 का आई थिंक पूरे ई क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। और भाई क्या ऑसम एक्सपीरियंस था वो। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, उसके अगले दिन यूट्यूब का क्रिएटर कलेक्टिव का कैंप था, जिसके कारण मॉर्निंग से लेकर शाम तक का वक्त वहाँ पे बीता। और एक तरीके का मीटअप था ये अहमदाबाद के क्रिएटर्स का, और ये फर्स्ट टाइम कुछ कर रहा था यूट्यूब अहमदाबाद में, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था। और जब इतना कुछ होगा तो भैया कुछ तो मिस आउट करोगे ना। मैं मिस कर गया हूँ RC24 का फर्स्ट गेम प्ले करना। और हाँ, मैं PC था नहीं मेरे पास, तो खेला भी नहीं है मैंने। आईफोन में मैंने 1 या 2 ओवर खेले थे, बट जब आप इतना अजीब, इतने नए सिनारियों में रहते हो तो आपको कुछ नहीं पता लगता कि आप क्या खेल रहे हो। ऑलमोस्ट जीरो अपना खुद का एक्सपीरियंस के साथ मैं फर्स्ट टाइम ओपन करने जा रहा हूँ रियल क्रिकेट 24। और अभी जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है उसका मुझे भी आइडिया नहीं। ईयरफोन लगा लेते हैं क्योंकि मे भी ये फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, म्यूजिक व्यूजिक भी आ रहा होगा। लॉगिन हुआ है फर्स्ट टाइम, टैप टू कंटिन्यू आ चुका है, नहीं म्यूजिक आई थिंक बंद है। लोडिंग स्क्रीन, जर्सीज पैक डाउनलोड हो रहे हैं। भैया ये फर्स्ट टाइम ओपन करने पे ये ऐसा सब कुछ होगा, जो जो पुराना डेटा है वो कहीं ना कहीं तो जाके सेट होगा ना, तो भाई साहब यहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है, एसेसरीज पैक भी डाउनलोड हो चुके हैं, मैं भी पूरी तरीके से सेटअप के साथ तैयार हूँ रियल क्रिकेट 24 खेलने के लिए। देखो भाई, मेरे को पिंक वाला जो थीम था, अरे लॉग आउट हो गया क्या? अच्छा, एज पार्ट ऑफ द अपडेट वी वर अप, अरे मैं डर गया। और मेरे को असली मजा भाई ये बड़ी स्क्रीन में ही आता है, छोटी स्क्रीन में भी और अच्छा लगता है गेम, क्योंकि थोड़े से इफेक्ट्स एकदम वो पिक्सलेटेड फैलते नहीं है। बट यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो इसी पर ही निर्भर है, तो लेट्स सी। अब हाँ, हमारा RCPL का क्या हाल है वो मैं बाद में देखूंगा, मैं अभी कुछ नहीं देख रहा क्योंकि लाइव के लिए मैं छोड़ रहा हूँ बहुत कुछ। मैं अभी सिर्फ ये फर्स्ट टाइम ओपन करने का एक बार सेटिंग चेक कर लूँगा कि सबसे हाईएस्ट है कि नहीं। हाँ, स्क्वाड भी अपडेट मार लेते हैं, बट सबसे हाईएस्ट जो ठीक है, मेरे कोई टूर्नामेंट्स सेटिंग स्क्रीन कहाँ गई? अच्छा यहाँ पे है, अरे मैं लोगो ढूंढ रहा हूँ, क्वालिटी दिखा दो एकदम अल्ट्रा। हाँ बस ये चाहिए था भाई। लेट्स प्ले, गो टू द क्विक मैच सेक्शन। और भाई ऐसे भी जो बेस्ट वीडियोस होती हैं वो थोड़ा सा लेट आती हैं, जो ऑथेंटिक वीडियोस होती हैं। नहीं नहीं, ये ऐड नहीं करूंगा मैं वीडियो में। ठीक है, तो जाते हैं क्विक मैच पे, फटाक से लगाते हैं। उससे ज़्यादा मैं अभी कुछ एक्सपीरियंस करने के मूड में हूँ नहीं। इंडिया वर्सेज, अरे यार ये बहुत कन्फ्यूज है, मैं मीडियम डिफिकल्टी पे खेलने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम अभी कौन सी टीम आएगी, 1, 2 एंड 3। ओमन के साथ नहीं, टॉप 8 टीम्स तो होनी चाहिए, और फिर उसमें जो भी आएगा वो, मैं हर बार ओमन और जिम्बाब्वे के साथ खेलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इंग्लैंड आई है यहाँ पे, वन डे और T20 के कपड़े हैं। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगे वो वाला मैं रखूँगा। आई थिंक इंग्लैंड में ब्लू ही सूट करता है, और इंडिया के साथ ODI वाली किट ही सूट करती है। शॉट असिस्ट आ चुका है, मैं शॉट असिस्ट नहीं रखने वाला हूँ, मैं तो ऑलरेडी खेला हुआ हूँ, तो मैं मीडियम के साथ जाऊँगा। उसके अलावा हम लगाएंगे टोटल 5 ओवर्स का मैच, पिच हार्ड रखना है। टाइमिंग मैं इवनिंग का रख रहा हूँ, कैचिंग मैनुअल, कमेंटेटर किट बैग, आई थिंक किट बैग की जरूरत है नहीं, हटा दो। जिन लोगों को पता नहीं है क्या होता है, इससे आपकी बैटिंग और बॉलिंग की टाइमिंग टेक्निक थोड़ी सी इंप्रूव होती है, शॉट्स के पावर थोड़े से इंप्रूव होते हैं, तो आप फायदे में रहते हो। बाकी तो यार कॉइन्स वाली चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ अगर मुझे कॉइन ही खर्च करना है तो मुंबई में ही खेलो भाई, बाकी पैसे दे के आप कर सकते हो, बट मैं मुंबई के साथ जाना चाहूँगा। 1, 2, 3। ठीक है, नई UI में भाई, ओह रेडिकल के नीचे भी वो ऐसे इफेक्ट आ रहा है, इसका कुछ मतलब है क्या? कुछ नहीं, मुझे लगा हो सकता है डेवलपर्स ने कुछ ऐसा इशारा किया हो जिससे पता लग सके कुछ कलर की डिज़ाइन से, बट ऐसा कुछ नहीं है। रेडिकल को आपको याद रखना पड़ेगा, गायकवाड बैलेंस है वो आपको याद रखना पड़ेगा, कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, बट मेरे को तो भाई वनडे वाली टीम चाहिए। चलो ठीक है, अभी मेरे लिए तो अभी भी रोहित शर्मा ही इंडिया के बेहतर कप्तान है। ये हमने लोडिंग स्क्रीन देखा हुआ था पहले, फाइनली अब उसको एक्शन में होते हुए देख रहे हैं। साउंड पे भी देखता हूँ मैं कितना चेंजेस हुआ है, मैं लगा ले रहा हूँ हमारा ईयरफोन, थोड़े से अजीब तो लग रहे हैं भाई। RC मोड क्रिएटर ऐप आ चुका है, तो उससे आप जो थोड़ा अजीब लग रहा वाला है ना उसको आप थोड़ा सा नॉर्मल बना सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली RC24 में कन्वर्ट होता हुआ, बहुत सारे डाउट आप लोगों के ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के पास 48 घंटे एक्स्ट्रा थे इस गेम को खेलने में, आई थिंक जम के खेला होगा सबने, और मैं खुद इसमें एक्सपीरियंस करना चाहता था इसलिए मैं कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा नहीं लिए।
जोश बटलर के बाल कहाँ चले गए भाई। नहीं जोश बटलर कप्तान है, नहीं फिल साल्ट है। ठीक है, हेड्स लगाएंगे हम लोग, मेक योर कॉल। म्यूज़िक मतलब साउंड पर भी नज़र रहेगी, कितना फील आया है, कितना चेंजेस हुए हैं। टेक्सचर की बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स की बात करें, हर तरीके से यूआई मुझे बेहतर लगा है। मे बी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसलिए हो सकता है ऐसा फील आ रहा हूँ। अर्षदीप सिंह हमेशा देखते हैं भाई हम लोग की, ऋतुराज गायकवाड़ लग रहे हैं। चेहरे तो भाई आप अनलिमिटेड बना सकते हो, इन्होंने खुद ने ही 28 into 12 टाइप के तो फेसेस दिए हैं। स्किन कलर कॉम्बिनेशन, हेयर कॉम्बिनेशन के साथ तो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। टॉस जीत लिया हमने और फर्स्ट बैटिंग के साथ गए, और सही है, अगर सेकंड बैटिंग करते कहीं गलती से आसानी से जीत जाते तो मैच जल्दी पूरी हो जाती। यार कैमरा एंगल बदलते तो कितना अलग फील देने लगती है गेम, एटलीस्ट शुरू में। नई बार आप खेल रहे हो तब, अब दो बार ईयरफोन लगा लिए तो मेरे को बहुत तेज साउंड सुनाई दे रहा है। रिज्यूम कर दिया है मैंने कंट्रोल। अरे वाह, अच्छा है कि कंट्रोल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मेरी फर्स्ट बॉल है ये ऑफिशियली RC24। नहीं है तो नॉट आउट, अपील नहीं गई हम लोग। अरे अपना पहला अपना वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस शॉट लगा रहा था मैं क्रिकेट, आउट तो है नहीं आ रही गेम बस एम्पायर। अरे DRS ले लिया, मेरी फर्स्ट बॉल आउट होगी या नहीं आउट होगी किसी को नहीं मालूम। मेरे को दिल तो कह रहा है कि नॉट आउट है, बट गेम अगर विकेट हिटिंग नहीं हो रही है तो मोस्टली लॉजिक नहीं लगाती। हमारी RC24 की फर्स्ट बॉल, और नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इम्पैक्ट बचाएगा, आई थिंक इम्पैक्ट विकेट हिटिंग हो रहा है। हाँ, पिचिंग आउटसाइड ये तो है ही, इम्पैक्ट भी, अरे विकेट भी नॉट हिटिंग है। क्या सोच के भाई, इतना गंदा इतिहास की पहली बॉल और पहली गेंद पे DRS, और इतना गंदा DRS भाई कि एक बॉल का अंतर है लगभग, नॉट आउट तो बस। और यार UI भी, और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक मिनट, अरे यार एक काम बहुत अच्छा किया कि जो थोड़ा सा लाइट कर दिया जॉयस्टिक, और लाइट भी इस तरह से किया है ना कि मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा कि मिसिंग आउट है। मैं बोलते हैं यार जॉयस्टिक दिख नहीं रहा, एटलीस्ट वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। और अच्छा है कि सब कुछ लाइट कर दिया, हाँ इन्होंने सब कुछ ही लाइट कर दिया। इस बार बॉटम, इस बार बहुत दूर, इस बार रिकॉर्ड चीज नोटिस कर रहे हो। राइट साइड में बैट देखो, वो भी इन्होंने असली ग्रे निकोलस डाल दिया जो स्पॉन्सरशिप वाला बैट है, और उसके ऊपर व्हाइट कलर का बॉल, बहुत सो डग आउट लुक 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 लुक। क्रिकेट 24 ने डग आउट तो कॉपी कर लिया क्योंकि उन्होंने फोटो लिया हुआ है 360 वाला, और भाई साहब उनको उस डग आउट में जान नहीं डाली है। RC ने वो काम किया है, या WCC3 ने किया, या फिर मोबाइल गेम्स ने किया है, बट ये चीज़ नॉटिलस पता, अरे बिगिन कब समझेगा कि भाई आपने ग्राफिक्स तो दे दिए बट उस ग्राफिक्स में जान भी डालनी होती है। मैं भी 360 पैनोरामा कॉपी करके किसी भी गेम के स्ट्रक्चर में चिपका दूँ। आज लगता है भाई मिड विकेट का ही शॉट है। अरे मैच जीतनी है, मेरी दिली तमन्ना की बात करते हो आप तो मेरा दिल है ना अभी इस वक्त गेम को इंजॉय करने में ज़्यादा है। एक्सपर्ट से खेल रहे हैं हम लोग, मीडियम मोड तो ऑब्वियसली बात है। सिक्स नंबर दो, अगर डेवलपर्स है ना प्लान कर रहे हैं इन द केस, वो इन द केस के RC24 यही गेम को लगातार अपडेट करेंगे, पबजी जैसा कुछ ऑप्शन देना चाहिए उनको। जहाँ पर सीजन 1 में आपने RC24 खेला वहाँ तक का स्टेट्स रहेगा, RC24 खेला उसके स्टेट्स रहेंगे ना, तो ऐसे है ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बन सकता है गेम के साथ, जैसा कि पबजी में होता है सीजन 1, 2, 3, 4, 5। गेम के भी अगर सीजन बन जाते हैं एक ही गेम में तो बढ़िया है, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। आई थिंक एक ही प्रोफाइल में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बट मे बी इन द फ्यूचर। ठीक है, 20 रन्स मैं बहुत मारने वाला हूँ इनको, मुझे अब ईजी लग रहा है। मे बी आप में से कई लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम RC24 खेल रहे होंगे, भाई ईजी में शुरू करना, फर्स्ट टाइम खेल रहा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मीडियम, और खेला हुआ है 22 अच्छा खासा, तो आई थिंक हार्ड में भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग ऑन, पहला विकेट, जिस खिलाड़ी की तारीफ कर रहा था पिछली बार, ओ ये क्या है, बैट ग्रिप क्यों इतना वियर्ड है, अरे क्यों, अबे ये कैसा बैट ग्रिप है। ठीक है, नहीं नहीं मतलब
मुझे अजीब लगा, आई थिंक बैट नहीं आया क्या, कुछ तो बैट गिफ्ट अजीब तो लगा मेरे को स्टार्टिंग में मिड विकेट वाला। अरे इनका, हमारी शान किशन का, ठीक है अभी सिक्स मारेंगे, चौका मारेंगे, लॉन्ग ऑन मारना है ना इसको, हाँ वेट करके मारना। गोल्डन डक, और हमारे चैनल के ऐतिहासिक प्लेयर रोहित शर्मा मैच में है ही नहीं, मेरे पहले गेम प्ले में यार। लॉफ्टेड यार, डिफिकल्टी इजी है, मे भी लग जाना चाहिए। और अच्छा फोर रन, जायसवाल जो कि मुझे कुछ नहीं लग रहा था खराब खेल रहे हैं अभी तक, ठीक हुआ है रन मार रहे हैं, ये मेरे हिसाब से फोर रन गए, 41 हो गए, अरे नहीं गया फोर भी कर रहा हूँ ना, दिक्कत करेगा। ठीक है अपना फाइन लेग वाला फर्स्ट अटैम्प्ट शॉट का, चार रन, फील्डिंग चेंज हो रहा है, 10 गेंद हम मार रहे हैं, 24 था, देखना कि इनकी फील्डिंग सेटअप का दिमाग कहाँ लगता है। लॉपटेड क्लिक कर जा, वक्त बटन ही नहीं काम की, अरे मतलब कीबोर्ड में मेरी दिक्कत आ रही है यार, इतना वेट इतना अच्छा मे भी नहीं फोर मिलेगा ना, मिड विकेट और फ्लैट शॉट, चार रन यहाँ पर, 53 रन होता हुआ, बाउंड्री लगने लगी है, सिक्स का इंतजार रहेगा। हाँ ठीक है, बड़ी दिक्कत है कि मैं शॉट लेता ही नहीं हूँ उधर वाले, अरे चलो चलो चलो, मतलब इन सब दिशाओं वाले मुझे एक्चुअली पहले तो देखना पड़ेगा कि मेरे क्या शॉट आ जाइए अब किस तरह से है। सिस्टम का मत मार ले, एक बाउंड्री चाहिए मुझे एक शॉट से कम एक बाउंड्री, दो 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 तीन 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 एक्चुअली तीन थोड़ा सा लंबा दौड़ा दिया। ये ऊँची गेंद है, ये नहीं बैठेगी, मतलब वो मैं लेना चाहूँगा, ये चेंज हो गई स्क्रीन वो तो ऑब्वियस ही था, होना ही था वो तो। अब देखो ये एक्चुअली ब्रेक टाइम है ना, तो पीछे देखो सब स्टेटिस्टिक्स और वो सब दिखाया है कंप्यूटर पे, और नज़दीक जाना था, अरे एक जैसे शॉट्स के चक्कर में भाई नुकसान तो हुआ है, लास्ट गेंद है 62 यार, नहीं मार, नो बॉल, चल 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 एक बॉल मिली और फिर तो हाईलैक से मार दो ऐसे फील्डिंग चेंज हुई, प्लीज पीछे वाले एक बार एक बार कैच फील्ड था यार, कोई ना दो रन निकाल लिया, 65 मिनट टोटल है मेरे हिसाब से, अभी तो वो भी देखना है कि बॉलिंग में कैसे चेंजेस आए। बैट मुझे ग्रिप सही में वियर्ड लग रही है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं स्क्रीन पर नहीं देखना चाहता इसमें बैट कैसा पड़ा पकड़ा है। 66 अभी यार जो गेंदबाजी में चाहता था वो है नहीं इस मैच में, बट चलते हैं यार इन्हीं के साथ बैच देते हैं, बाकी एनिमेशन नहीं ढूंढता हुआ मैं, कैमरा एंगल तो हैं, अरे वो कहाँ बीच में आ रहा है स्पाइडर के, डेविड मलन, फिलसार्ड, यूआई बहुत टॉप, बाकी चलो चलते हैं बॉलिंग गेम, ये कितना चाहता है बीसीसीआई का लोगो, बैटिंग है बॉलिंग है फील्डिंग है, दोनों को रखना, बहुत सही भाई बॉलिंग यूआई बहुत सही, मतलब वो जो हल्कापन दिया है ना उससे एक अलग ही लेवल पे जा रहा है ये गेम, देखते हैं मालूम भाई ये मैच क्लोज होगी क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। हिट करता है, और ये फील्डिंग में बताते हैं एक्सपर्ट मोड की फील्डिंग है, उसके बावजूद भी उसने चौका मारा, धीरे तो खेलने वाला है नीचे शॉट ऑफ स्टंप पे कवर के ऊपर से चार रन, डेविड मलन पेस मीडियम, दो चौके एडवांस, ये तो मेरा शॉट था, अरे इसको चौका, 12 रन, 12 पीछे से। वीडियो रिकॉर्डिंग में भाई सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया भाई, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो पे लाइक भी कर देना, देखो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई, थैंक यू कौशिक रैनू, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं उसके लिए, बट लाइक सपोर्ट मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगी। ड्राइव शॉट भाई, देखो पावर प्ले है तो ये बैटिंग टीम का ही होना चाहिए गेम को, तो नहीं कर पा रही है तो फिर वो मैच हार जाएगा। हाथ में मारा डेविड मलन, और ये मेरा शॉट पे आउट हुए, अरे मेरा शॉट मतलब आज के वीडियो में मेरा शॉट था, ये ले नहीं पाया मैं, लेकिन यार इन्होंने भी ये भी नहीं ले पाए, और ये तो आउट हुए, मैं तो फिर भी थोड़े बहुत एफर्ट मारा था सिंगल डबल के साथ, तो ये पहला विकेट गिरता हुआ इंग्लैंड का। मीडियम मोड में मलन के ऊपर दबाव था, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे, नहीं उठा पाए, जा रहे हैं पवेलियन, ऐसे ही रैंडम ओवर दिया था मजे के लिए, अब मजा चालू होगा, मतलब मैं एक्चुअली मैं कहने वाला था ये क्या खेल रहा है, सिर्फ एक रन बना के बैठा है, आप देखते हो वो
पीछे साइनिंग मारता हुआ मुझे लोगो मस्त लगता है। विकेट साल्ट विंग जा रहे हैं पवेलियन एकदम सही तरीके से लपकते हुए शॉट्स को। विकेट नंबर दो यहाँ पे दोनों अपना साउथ अच्छा या बुरा समय बताएंगे। अरे हाँ क्या एनर्जी हाँ भाई देखो ऐसे जब रियल लाइफ में कोई बंदा ऐसा करता है ना सब लोग क्या बोलते हैं घर पे बड़े वाले लोग कि यार ये बंदा पक्का आउट होगा बहुत एक्शन कर रहा है। ठीक है देख लेते हैं कितना एक्शन करता है ये बंदा। सही में भाई आपके घर में कोई अगर होगा ना एक जन तो बोलेगा अरे वाह अरे वाह अरे वाह मतलब सामने वाले टीम के प्लेयर के लिए अपना प्लेयर तो कूद के आएगा कोई दिक्कत नहीं है पर सामने वाला अगर कूद के आद के आएगा तो ये कमेंट तो जरूर से उछलेगी कि ये बंदा अभी आउट होगा बहुत एक्शन कर रहा है। ये आउट नहीं हुआ लेकिन डक ड्राइव चौक और हमें पावर बिल्डिंग भी चेंज कर रहा है कि चार ओवर तो नहीं कर रहा पावर प्ले में ही मुझे खेलना है चार ओवर ये चैलेंज है तो फिर सेट आएंगे पिछले गेंद डॉट भी डाल फिटा इस बार गैप हो गया है मध्य मध्य ऑप्शन मध्य आखिरी गेंद पे अगर चौका है छक्का मारता तो मैं कहूँगा कि इनके फेवर में मैच वरना वो 16 रन रिक्वायर्ड आसान नहीं होगा मीडियम में लॉफ्टेड नहीं एज बनी है चलेगा इस फील्डिंग पे ये लास्ट है चुके हैं दो गेंदों में एक मैं डायरेक्ट के लिए जा रहा नहीं दौड़ा क्या अरे मिस फील्डिंग मैंने पहले ही बोला मैं डायरेक्ट के लिए जा रहा हूँ मुझे पहले मैच में पहले अच्छा लंबी थी तो अर्जीत ने कर दिया है भाई वो काम जिस काम को उनके सौंपा गया था 7 गेंदों में 27 इस ओवर में सिर्फ 7 रन है यहाँ पे 15 और 16 चाहिए थे आखिरी गेंद लेकिन 4 जा रही है वो भी ठीक है 6 में 23 यही कर सकता है हमारे लिए तो मुश्किल है। अवेश खान लास्ट ओवर 3 मैच में 2 विकेट एकाध तो आएगा एकाध विकेट तो आएगा और मैं फील्डिंग बदल सकता हूँ बट मैं नहीं बदल रहा ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया नहीं बदल रहा। लेट्स सी 6 में 23 क्या AI इतना अटैक करेगा कि वो मैं डायरेक्ट के लिए गया हूँ ऊपर से चली गई है तो गिर गए थे इसलिए दूसरे का कोई चांस ही नहीं था और हाँ मैं हर तरफ गेंद दूंगा स्टंप दूंगा मिडल दूंगा वाइड ऑर्कर डालने की वाइड ऑर्कर भी डालूंगा तो खेलने दूंगा देखता हूँ कि ये और कितना छोटा थ्रो यार ये तो मिस फील्डिंग भी हो सकती है पीछे ओवर थ्रो तो पक्का ही है 4 में 20 मारो छक्का बटलर भैया आउट ऑफ फॉर्म कहूँगा मैं आपको कड्डू और डाई चौका नहीं चलेगा 30 रन है 5 चाहिए या 4 चाहिए 4 तो नहीं 6 ही चाहिए मुझे अरे वाह चौका स्विंगर ऊंचा मारने के बदले अगर अभी भी ग्राउंड शॉट चिपका के खेल रहे हो ये मैच खत्म आपके लिए 2 गेंदों में अगर ये 12 भी मारते हैं तो भी नहीं जीत रहे भाई तो इंडिया ने यहाँ पे एटलीस्ट इस डिफिकल्टी में जीत लिया। मेरे को चढ़ा था थोड़ा सा बुखार बाउंसर का ऑलमोस्ट पेस है बाउंस भी है कनेक्ट भी किया है डायरेक्टेड रन दौड़ना तुझे आउट होते हुए देखना है लो दौड़ गया बोला मैं नहीं आखिरी गेंद और ये आई थिंक 10 रन के डबल डिजिट में जीत होगी अब तो ईजी है भाई देखो मैंने पहले भी कहा था सेम फील आपको देने वाला है ग्राफिक चेंजेस होंगे जिससे आपको फील अलग आएगा बाकी ओहो कैमरा एंगल पे इतने बढ़िया बढ़िया एक्शंस देते अभी भी सेलिब्रेशन है अरे वाह कौन है भाई जो इतना सेलिब्रेट करता है जीतने के बाद हाँ विराट तो करते हैं बट विराट है नहीं आज की टीम में जो प्लेयर थे वो ये रहे बट भाई हाँ डेफिनेटली वन स्टेप आगे बढ़ेगी गेम ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी है बाकी गेम्स से तो आई थिंक बाकी गेम्स को अब 2 कदम लेने पड़ेंगे अगर आगे निकलना है तो भाई मज़ेदार था बाकी मैं क्विक मैच जल्दी नहीं खेलता हूँ बट जो भी था एक अलग फीलिंग UI के थ्रू थोड़े से मॉडल्स के थ्रू देने की कोशिश करता हूँ और आ रहा है बाकी लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं और रिव्यू के लिए नहीं किया है डाउनलोड करो अगर आप स्टूडेंट टू छोड़ दिया था सिर्फ हार्ड डिफिकल्टी के कारण तो इन्होंने असिस्ट मोड भी ऐड किया हुआ है वो मैंने एक्जैक्टली देखा नहीं बट उसका मतलब तो पता है असिस्ट मतलब वो आपको हिंट देगा कौन से शॉट लेने हैं तो जाओ भाई खेलो गेम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में नेक्स्ट वीडियो में डोंट फॉरगेट टू भाई लाइक अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में बाय बाय टाटा भाई यार गुड डे